नमस्कार दोस्तों, दुनिया भर में सूर्य निकलने के बाद दिन की शुरुआत होती है और सूर्य के डूबने के बाद रात की शुरुआत। अगर हम आपसे कहें कि दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जहां कभी रात नहीं होती है, तो क्या आप यकीन कर पाएंगे? इन देशों में सूरज हर समय अपनी किरणें बिखेरता रहता है। आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा हुआ तो लोगों के सोने, जागने, खाने पीने और काम करने का पूरा ही टाइम टेबल गड़बड़ा जाएगा, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच है। दुनिया में कुछ जगहों पर रात नहीं होती है, तो चलिए आपको बताते हैं उन देशों के बारे में। फिनलैंड। दोस्तों, फिनलैंड दुनिया का एक ऐसा विचित्र देश है। ये देश यूरोप का बहुत ही खूबसूरत देश है। ये देश अपनी खूबसूरत झीलों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ केवल 23 घंटे का ही दिन होता है। इसके अलावा आपको ये भी हैरानी होगी कि फिनलैंड में कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ लगातार 73 दिनों तक सूर्य उगा ही रहता है। फिनलैंड के जिन स्थानों पर यह घटना होती है वो नॉर्वे के बेहद करीब होते हैं, क्योंकि नॉर्वे में भी 76 दिनों तक लगातार सूर्य ही उगा रहता है। इसलिए नॉर्वे से सटे कुछ ऐसे स्थान भी हैं फिनलैंड में जहां पर 73 दिनों तक लगातार सूर्य उगा रहता है। आइसलैंड में आप आधी रात को भी सूरज की रोशनी का आनंद ले सकते हैं। हजारों झीलों और आइसलैंड से सजा हुआ ये देश काफी सुंदर और आकर्षक है। गर्मी के मौसम में ये करीब 73 दिनों तक यानी 10 मई से जुलाई के अंत तक सूरज अपनी रोशनी बिखेरता रहता है। अगर देखा जाए घूमने के लिहाज से फिनलैंड काफी अच्छी जगह है। फिनलैंड में दिन और रात का चक्कर बहुतों को चक्करों में डाल सकता है। यहाँ कुछ इलाकों में 23 घंटे सूरज उगता है और कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ 51 दिन तक रात रहती है। फिनलैंड के बारे में कई और ऐसी बातें हैं जो आपको हैरान कर सकती हैं। यहाँ मई से अगस्त के महीने में सूर्यास्त नहीं होता, यानी रात के वक्त भी सूरज आसमान में चमकता रहता है, बस उसका रंग संतरी हो जाता है। दिसंबर जनवरी के महीने में भी फिनलैंड के कई इलाकों में सूरज नहीं उगता। मोबाइल बनाने वाली कंपनी नोकिया और दुनिया को एंग्री बर्ड्स देने वाली रेवियो कंपनी फिनलैंड की ही है। इतना ही नहीं, फिनलैंड ने ही दुनिया को पहला इंटरनेट ब्राउजर दिया है। अलास्का। नॉर्थ अमेरिकी महाद्वीप के नॉर्दर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पर स्थित अलास्का एक अमेरिकी राज्य है। इसके पूर्व में कनाडा, उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण पश्चिम में प्रशांत महासागर और पश्चिम में रूस स्थित है। यहाँ भी 24 घंटे दिन होता है और मई से जुलाई के बीच में सूरज नहीं डूबता है। अलास्का अपने खूबसूरत ग्लेशियर के लिए जाना जाता है। अब कल्पना कर लें कि मई से लेकर जुलाई तक बर्फ को रात में चमकते देखना कितना रोमांच भरा हो सकता है। इसकी कल्पना तो आप कर ही सकते हैं। अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य अलास्का दुनिया भर में अपने ग्लेशियरों और बर्फ की चादर से ढका देश है। इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। ठीक नॉर्वे की तरह यहाँ भी मई से लेकर जुलाई महीने तक सूर्य दिन रात चमकता रहता है। अलास्का की सबसे रोचक बात उसके ग्लेशियर है, जो मई से जुलाई के महीने में लगातार सूर्य की रोशनी में चमकते रहते हैं। आपको बता दें कि यहाँ 12:30 पर सूर्यास्त होता है और उसके केवल 51 मिनट के बाद फिर से उगता है, जिसके कारण यहाँ भी रात नहीं होती। दोस्तों, ये कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर सूर्य चमकता ही रहता है, फिर चाहे दिन हो या रात। यही कारण है कि यहाँ पर रात नहीं होती। रात में होने वाली घटना के पीछे की वजह पृथ्वी का झुकाव होता है, जिसके कारण ऐसी रोचक घटनाएं इन देशों में होती रहती हैं। कनाडा। दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे कि कनाडा क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जो सबसे बड़ा है। साल में कई महीनों तक कनाडा पूरी तरह बर्फ में ढका रहता है, लेकिन यहाँ की खास बात यह है कि गर्मियों में इसके उत्तरी पश्चिमी हिस्से में सूर्य 50 दिनों तक लगातार निकला रहता है। यहाँ सूरज डूबता ही नहीं। दुनिया का दूसरा बहुत बड़ा देश जो अरसे तक बर्फ से ढका रहता है, कनाडा में भी रात का अंधेरा देखने को नहीं मिलता है। स्वीडन। ये देश उत्तरी यूरोप में स्थित है। इसके उत्तर में फिनलैंड और पश्चिम में नॉर्वे है। ये यूरोप का 5वां और दुनिया का 55वां सबसे बड़ा देश है। स्वीडन में मई, जून, जुलाई, अगस्त यानी लगभग 4 महीनों तक सूरज निकला रहता है। यहाँ सूर्य केवल मध्य रात्रि में थोड़ी देर के लिए ही डूबता है और वो भी कुछ ही मिनटों में फिर से सुबह हो जाती है। नॉर्वे। नॉर्वे एक ऐसा देश है जो पहाड़ों से घिरा हुआ है और ये आर्कटिक सर्कल के अंदर आता है।
इस देश में मई से जुलाई तक लगभग 76 दिन सूरज नहीं डूबता है। इसे लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहा जाता है। अगर आप लंबे समय तक रोशनी का आनंद उठाना चाहते हैं तो इस दौरान इस देश की सैर कर सकते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं दुनिया के एक खूबसूरत देश की जहां रात नहीं होती, नॉर्वे के हैमरफेस्ट की। ये एक ऐसी जगह है जहां रात 12 बजे होती है और महज 40 मिनट के लिए। नॉर्वे के हैमरफेस्ट में 12:43 पर सूरज डूबता है, उसके 40 मिनट बाद फिर से उग जाता है। आपने सुना होगा कि भारत में 21 जून का दिन और 22 दिसंबर की रात सबसे बड़ी होती है, पर यह घटना केवल एक दिन होती है। ठीक ऐसे ही नॉर्वे के हैमरफेस्ट में महज 40 मिनट की रात होती है, उसके बाद सूरज फिर उगाता है। लेकिन यह घटना केवल एक दो दिन की नहीं होती, बल्कि पूरे 2.5 महीने तक ऐसा ही होता है, जब सूर्यास्त ही नहीं होता। आधी रात में सूरज उगने के कारण ही ये देश बहुत खास है। नॉर्वे देश आर्कटिक सर्कल में स्थित है, जिसकी उत्तर की सीमा रूस और फिनलैंड देश के बॉर्डर से लगी हुई है, और इसकी पूर्वी सीमा रेखा इसे स्वीडन देश के साथ जोड़ती है। नॉर्वे देश केवल कंट्री ऑफ मिडनाइट सन होने के नाते ही नहीं, बल्कि अपनी खूबसूरत नजाकत के लिए भी दुनिया भर में जाना जाता है। ये देश दुनिया के अमीर देशों में से एक है और यहाँ के लोग भी अपनी ठाट बाट के लिए जाने जाते हैं, जो अपने खान पान और सेहत को लेकर काफी सजग होते हैं और इससे जुड़ी कोई लापरवाही नहीं करते। आइए अब आपको कुछ ऐसे कारणों के बारे में बताते हैं जिनके कारण यहाँ महज 40 मिनट की रात होती है। नॉर्वे में रात क्यों नहीं होती है, आइए जानते हैं इसके पीछे का वैज्ञानिक तथ्य। खगोल शास्त्र के अनुसार सौर मंडल में सूर्य हमेशा स्थिर रहता है और सभी ग्रह इसके चारों ओर अपनी निश्चित कक्षा में गति करते हैं। इन सभी ग्रहों में से हमारी पृथ्वी भी एक है, जो अपनी कक्षा में 365 दिन सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी अपनी कक्षा में अपने अक्ष पर घूमती रहती है और 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूमते हुए अपना एक चक्कर पूरा करती है, और यही कारण है कि पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। हालांकि दिन और रात की अवधि हर समय बराबर नहीं रहती, क्योंकि दिन और रात छोटे बड़े होते रहते हैं। दिन और रात की अवधि में जो अंतर आता है, उसके पीछे की वजह पृथ्वी का अपने अक्ष के सापेक्ष झुकाव होता है। लेकिन पृथ्वी का कोई वास्तविक अक्ष नहीं होता, ये एक कल्पना मात्र होती है। जब पृथ्वी घूमती रहती है तो उसके दक्षिण और उत्तर के दो बिंदुओं को मिलाकर एक घूर्णन अक्ष की परिकल्पना कर ली जाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 डिग्री का कोण बनाकर झुकी हुई होती है, जबकि ये अपने घूर्णन तल से 66 डिग्री का कोण बनाकर अपनी कक्षा में घूमती रहती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव होना ही पृथ्वी पर दिन और रात होने के कारण है। 21 जून और 22 दिसंबर के दिन ही ऐसा होता है कि पृथ्वी के झुकाव के कारण सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण पृथ्वी के सभी हिस्सों में समान रूप से वितरित नहीं हो पाती, इसी कारण दिन और रात की अवधि में फर्क आ जाता है। नॉर्वे में मिडनाइट सनराइज के पीछे भी कुछ ऐसी ही वजह होती है। दरअसल नॉर्वे में जब ये घटना होती है, उस समय पृथ्वी के 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक धरती का पूरा हिस्सा सूर्य के प्रकाश में रहता है। इसी वजह से नॉर्वे में मिडनाइट सनराइज की घटना होती है और लगभग 2.5 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता। धरती पर नॉर्वे के अलावा कई और देश हैं जहां सामान्य रात और दिन नहीं होते हैं। कुछ देशों में तो महीनों तक सूरज निकला रहता है। ये सभी देश पृथ्वी के आर्कटिक सर्कल यानी उत्तरी ध्रुव में स्थित होते हैं, जिससे यहाँ पर गर्मियों में सूर्य की किरणें सीधी रेखा में इन सभी स्थलों पर पड़ती है और दिन और रात का इतना बड़ा अंतर देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सके। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।